दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसमें एक लड़का अपने घर में अकेला होता है और तभी उसे पता चलता है कि बाहर के सभी लोग जॉम्बी में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। उसके पास खाने के लिए मतलब भर का खाना भी नहीं है और वो बाहर कहीं जा भी नहीं सकता। अब आखिर वो उन जॉम्बी से कितने दिन तक बच पाएगा और कितने दिन तक बिना खाने के रह पाएगा, जानेंगे आज की मूवी में। तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जुनवू को देखते हैं जो अभी सोकर उठा है और फ्रेश होकर बाहर आता है। तभी वो टेबल पर रखे एक लिफाफे को देखता है जिसमें उसकी माँ ने कुछ पैसे और एक लेटर रखा था, जिस लेटर में लिखा था कि वो जल्दी से बाहर जाकर खाने के लिए कुछ राशन ले आए और वो लोग कुछ काम से बाहर गए हैं और जल्द ही वापस भी आ जाएंगे। यहाँ पर जुनवू खाने का सामान लेने नहीं जाता बल्कि अपने पीसी पर गेम खेलने लगता है। 2-3 घंटे गेम खेलने के बाद वो अपनी टीवी को ऑन करता है जिसमें न्यूज आ रही थी कि सीओ शहर में अचानक से एक वायरस फैल गया है जिस वायरस की वजह से लोग जॉम्बी में बदल रहे हैं और दूसरों को काट कर उन्हें भी जॉम्बी बना रहे हैं। अब जुनू अपने घर के बाहर देखता है तो वहाँ पर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे जॉम्बीज पड़े थे जो उन्हें काटने के लिए उन्हें दौड़ा रहे थे। इसके बाद अचानक से उसके रूम में एक जॉम्बी घुस आता है जो जुनू को काटने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुनू किसी तरह उस जॉम्बी से बचकर उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जुनू ने अपने फ्रिज को दरवाजे के पीछे लगा दिया है ताकि कोई भी जॉम्बी उसके दरवाजे को खोल ना सके। अब उसके मोबाइल पर उसकी मॉम का मैसेज आता है कि बेटा हम लोग ठीक हैं और तुम भी अपने कमरे से बाहर मत निकलना, किसी को भी घर के अंदर मत आने देना और किसी तरह बस तुम जिंदा रहना। अब टीवी में दिखाया जाता है कि शहर में 60 डेज का लॉकडाउन लगा दिया गया है और जो जहाँ है वही रहे क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है और पूरा शहर जॉम्बीज की चपेट में आ चुका है। अब जुनू अपने सभी खाने को एक टेबल पर रखता है जो खाना लगभग 8 से 9 दिन ही चलने वाला है। खाने की कमी को देखकर जुनू आज रात भूखा ही सो जाता है। अगले दिन वो टाइम पास करने के लिए पीसी पर गेमिंग करने लगता है लेकिन तभी इंटरनेट सर्वर भी चला जाता है, इसीलिए वो दुखी होकर सोने के लिए चला जाता है। अब रात को उसको एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उठकर देखता है तो एक जॉम्बी उसके दरवाजे को धक्का देकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर जुनू भी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जॉम्बी भी काफी दमदार था इसीलिए जुनू उसे रोक नहीं पाता। फिर जुनू दौड़कर बालकनी से नीचे लटक जाता है और उसे देखकर जॉम्बी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जॉम्बी के अंदर इतनी अक्ल तो थी नहीं कि वो भी बालकनी को पकड़कर नीचे लटक सके, इसीलिए वो जुनू को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। इसके बाद जुनू देखता है कि दरवाजे के पीछे लगा हुआ फ्रिज जॉम्बी ने नीचे गिरा दिया था जिसकी वजह से उसके अंदर रखा खाना भी वेस्ट हो चुका है। अब ये देखकर जुनू सोचता है कि काश उसने अपनी मॉम की बात मान ली होती और खाने का सामान बाहर से ले आता। अब वो उस रात भी भूखा सो जाता है। इसके बाद हमें 7वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनू दिखने में काफी भूखा और कमजोर लग रहा था। इसके बाद वो अलमारी से अपने फादर की विदेशी ठर्रा कलेक्शन को निकालता है और टीवी देखते हुए पीने लगता है, लेकिन इससे भी उसकी भूख शांत नहीं होती। तभी वो टीवी पर नूडल्स का एड देखता है जो देखकर उसे और ज्यादा भूख लगने लगती है। फिर वो मजबूर होकर अपने बचे हुए आखिरी नूडल के पैकेट को खोलकर खाने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका पानी भी खत्म हो चुका है और नल में भी पानी नहीं आ रहा है। अब हम 15वां दिन देखते हैं और यहाँ पर जुनू ने अपने फादर की सभी देसी और विदेशी ठर्रा कलेक्शन को खत्म कर दिया है और नशे की हालत में डांस कर रहा होता है। अब तभी उसे एक इल्यूजन होता है जिसमें वो अपनी फैमिली वालों को देखता है जो अब घर वापस आ चुके हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये तो बस उसका एक सपना था। अब इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की बहुत ही याद आ रही थी। इसके बाद वो देखता है कि उसके फोन में अब नेटवर्क आ चुके हैं और तभी उसकी मॉम का एक वॉइस मैसेज भी आता है, लेकिन उस मैसेज को सुनने के लिए फोन में ठीक ठाक नेटवर्क नहीं थे, इसीलिए जुनवू अपने फोन को सेल्फी स्टिक से लगाकर बालकनी से लटक कर उस मैसेज को सुनने लगता है जिसमें उसकी मॉम कहती है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और उसकी बहन के साथ उसके फादर के ऑफिस में हैं। लेकिन तभी जुनवू को उनके आसपास की आवाज भी सुनाई देती है जिसमें लोग जॉम्बी से बचने के लिए भगदड़ मचा रहे थे। फिर वो अपनी मॉम की चीख भी सुनता है जिससे उसे पता चल जाता है कि अब उसकी मॉम और उसकी फैमिली को जॉम्बीज ने काट लिया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। फिर वो गुस्से में रूम के बाहर आता है और वहाँ पड़े एक जॉम्बी को जान से मार देता है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो देखता
होता है कि वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर जुनवू ये देखकर वापस से अपने रूम में भागकर चला जाता है। इसके बाद हम 20वां दिन देखते हैं। यहाँ पर जुनवू काफी ज्यादा भूखा था और वो सोचता है कि अगर वो बाहर खाना लेने के लिए जाएगा तो मारा जाएगा, और अगर खाना लेने के लिए नहीं जाएगा तो भी भूख से मर जाएगा। इसीलिए वो अब फांसी लगाकर आत्महत्या करने का फैसला करता है। फिर जुनवू अब फांसी लगाने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन तभी उसके फेस पर एक लेजर लाइट पड़ती है जो पास ही की एक बिल्डिंग से एक लड़की ने उसके ऊपर पॉइंट की थी। अब वो फांसी लगाने का प्लान कैंसिल करके सामने वाली बिल्डिंग में देखता है तो वहाँ पर एक लड़की दूरबीन लगाकर उसे देख रही थी और उसे इशारा करके ऐसा करने से मना करती है और ये भी कहती है कि वो सो जाए और हम सुबह बात करेंगे क्योंकि रात में ज़ॉम्बी का खतरा ज्यादा है। अब जुनवू उसकी बात मान जाता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन जब जुनवू सोकर उठता है तब वो बालकनी से उस लड़की को अपने मोबाइल में अपना नाम लिखकर बताता है, फिर वो लड़की भी उसे अपना नाम बताती है। अब मैं आप लोगों को उस लड़की का नाम बता ही दूं क्योंकि आप लोगों को तो चाइनीस आती नहीं, जो उसके मोबाइल पर लिखा पढ़ लोगे तो उसका नाम किम है। इसके बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये दोनों अपने घर के बर्तन में पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करने लगते हैं। फिर जुनवू एक रस्सी में बॉल बांधकर किम की तरफ फेंकता है। अब किम उस रस्सी में कुछ खाना लटकाकर जुनवू की तरफ भेजती है। जुनवू कई दिनों का भूखा था इसीलिए वो खाना देखते ही उस पर टूट पड़ता है। फिर उस खाने में वो एक पर्ची देखता है जिसमें किम ने लिखा था कि जरा आराम से ठूसो, इतना खाना कई दिन चलाना है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनवू पास वाले कमरे में जाकर खाने के लिए कुछ सामान ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर उसे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है। इसके साथ साथ उसे उस घर में कुछ काम की चीजें भी मिल जाती हैं, जिसमें से वो ईयरफोन, वॉकी टॉकी और अपने मतलब का कुछ सामान उठाता है। लेकिन तभी घर में छुपा एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। फिर जैसे तैसे जुनवू उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर वापस से अपने रूम में आ जाता है और लाए हुए सामान से कुछ खाना और वॉकी टॉकी मिन की तरफ भेजता है। फिर दूसरे दिन ये लोग वॉकी टॉकी से आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तभी जुनवू को कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ के कई सारे ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट में घुस चुके थे और उन्हें मारने के लिए उनके रूम की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और नीचे कूदकर वो वहाँ के ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देती है। अब कुछ ज़ॉम्बीज मिन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे काटने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर अपने हीरो जुनवू की एंट्री होती है और वो वहाँ के ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और किम को बचा लेता है। फिर ये दोनों मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं और अपार्टमेंट में लगी लिफ्ट के जरिए 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। अब वहाँ पर भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिनसे बचकर ये दोनों भागने लगते हैं और तभी एक आदमी वहाँ पर आकर इन दोनों को उन ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपने रूम में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो इन दोनों को खाना देता है। यहाँ पर खाना खाते ही जुनवू बेहोश हो जाता है और उसके साथ साथ किम भी बेहोश हो जाती है। दरअसल उस आदमी ने इनके खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। फिर ये किम को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को रखा था और वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है, इसीलिए उसके खाने के लिए वो लोगों को यहाँ पर लेकर आता है ताकि उन्हें खाकर उसकी भूख मिट सके। फिर वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। थोड़ी देर तक तो किम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन फिर वो भी शांत हो जाती है। अब बाहर खड़े आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ ने किम को मार दिया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है कि उसकी वाइफ को उसके ऊपर ही धक्का देकर गिरा देती है। अब वो ज़ॉम्बी अपने पति को ही काट लेती है जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। ये देखकर किम उस आदमी और उस ज़ॉम्बी को गोली मार देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर बाहर खड़े ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर उनको लगता है कि अब उनका आखिरी समय दूर नहीं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं अपने आप को गन से शूट कर देंगे। फिर किम जुनवू को गन देती है और अपने आप को उसे शूट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये लोग मरने का प्लान कैंसिल करके छत पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। फिर जुनवू एक साइकिल की मदद से बाकी ज़ॉम्बीज को रोकता है और मिन को छत पर जाने के लिए कहता है। फिर मिन के छत पर जाते ही जुनवू उन ज़ॉम्बीज को छोड़कर खुद भी छत पर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए नहीं आया है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो इन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। फिर जुनवू उनको अपनी गन से शूट करके मारने लगता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियाँ भी खत्म हो जाती हैं और सारे ज़ॉम्बी
बीच उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए आ जाता है और उसमें बैठी रेस्क्यू टीम उन ज़ॉम्बीज को गन से शूट करके मारने लगती है। फिर जल्दी से वो लोग जुनवू और मिन को अपने साथ अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। यहाँ पर ये लोग अब ज़ॉम्बीज से बच चुके थे और इनके फेस पर एक अच्छी सी स्माइल होती है। फिर इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।